सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कावा कुक बुक। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है थड्डे इडली और ये है गन पाउडर। ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साउथ में क्या होता है कि जब भी आप कहीं भी इडली डोसा खाओगे ना, तो उस पर एक ये पुडिंग जरूर की जाती है गन पाउडर और घी की, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और सबसे ज़्यादा वो ठंडे इडली पे ही बेसिकली ज़्यादा मिलता है। तो मैं आज घर में ही ठंडे इडली भी बना रही हूँ। तो इडली बेसिकली इडली नॉर्मल बेटर है, बस उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी करनी होती है, लाइक प्लेट के शेप का हो तो उसे ठंडे बोलते हैं। और हम यहाँ बनाना शुरू करते हैं गन पाउडर। तो गन पाउडर एक मसाला है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा ली है, उसमें ऐड किया है चना दाल, उड़द दाल, मेथी, राई और उसके बाद जीरा, धनिया, साथ ही साथ फिर इसमें गया है लहसुन की 10 कलियां और सफेद वाला तिल, फिर कढ़ी पत्ता खूब ढेर सारा जाएगा क्योंकि कढ़ी पत्ते से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। उसके बाद तीखा वाला जो लाल मिर्च आता है वो, और उसके बाद से आप इसमें डालो इमली। तो इमली डालने का इसका इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये मसाला आप अपने घर में बना के रख लोगे ना, तो कभी भी इडली डोसा उत्तपम कोई भी बनाते हो तो उस पर आप पुडिंग करके खा सकते हो। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और उसे कम से कम 40 मिनट्स तक अच्छे से क्रिस्पी धीमी आंच पे भूननी है कि हमारी कोई भी दालें गले ना, सॉरी जले ना, और लहसुन वगैरह कुछ भी जले ना, और सबका अच्छे से एकदम ड्राई हो जाए और करी लीव्स भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए, सारे चीज़ें और लहसुन वगैरह सब कुछ अच्छे से ड्राई हो जाए, इमली भी ड्राई हो जाए। फिर सबको एक मिक्सी के जार में निकालेंगे ठंडा करके। फिर उसमें ऐड करेंगे हींग, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है तो कलर के लिए आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर मैंने ये लास्ट में ऐड किया थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हल्का लग रहा है इसलिए, तो फिर मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया और ये बन गई है गन पाउडर। इसमें आप कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हो, बेसिकली शॉप वगैरह पे करते हैं लोग, मेरे पास नहीं थी। और मैंने ये जो बनाई है इडली, ये थर्डे इडली बहुत ही बड़े बड़े साइज़ की बनती है, मेरी अभी भी छोटी है। और कुछ इस तरह से उस पर पुडिंग करते हैं और उसके बाद से फिर इस पर लगाते हैं घी, और घी लगाने के बाद इसे नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी, और मैं इसमें नारियल की चटनी नहीं बना पाई हूँ तो मूंगफली की चटनी फिलहाल मैं फटाफट बना के उसको एंजॉय कर रही हूँ। आपको ये थड्डे इडली की रेसिपी कैसी लगी? अगर पूरी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। फिलहाल गन पाउडर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और गन पाउडर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं हम आपके साथ एक न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।